गुड आफ्टरनून टू एवरीवन और ईडी उमराल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रांत यादव। तो भाई, जैसा कि आपसे बात हो चुकी है, आपने देखा भी होगा कहीं बैनर पे या यूट्यूब पे कि भाई आज का जो सेशन है वो एसबीआई पीओ 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और मैं विक्रांत आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है उसे कंप्लीट कराऊंगा, और मैथ्स वाले सर भी नितेश सर जो जाना माना चेहरा है वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में आएंगे। और कुछ एक्चुअली टेक्निकल इशू चल रहा था जिसके तहत आज मैथ्स वाला सेक्शन जो है वो हम कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, आज सिर्फ रीजनिंग का सेशन रखा गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जो भी है आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो एसबीआई का जो भाई आज हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है 2019 का पेपर डिस्कशन, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि भाई जो अपकमिंग मंथ है मतलब मार्च 2020, इसमें मिड ऑफ मार्च तक मतलब 15 मार्च से पहले पहले ही आपको ईडीओ एमराल्ड पे एसबीआई पीओ स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए एक बैच जो है वो भी जल्दी से आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ बैच ही नहीं, जितने हमारे पीओ जो सेलेक्ट होते हैं हम डायरेक्ट आपको उनसे रूबरू भी कराएंगे, और वो आपके साथ स्ट्रेटेजी तो शेयर करेंगे साथ में अपनी जो एग्जाम के पीछे जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन में लाएंगे। इवन आपको वो पढ़ाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे वो जरूर समय निकाल के डिस्कस जरूर कराएंगे आपके लिए। गेस्ट लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल किए जाएंगे, तो उन सबके लिए आप भी तैयार हो जाइए, और ईडी उमराल तो ऑलवेज तैयार रहता ही है। तो भाई अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो रीजनिंग सेक्शन, इस रीजनिंग सेक्शन में जो प्री का क्वेश्चन है उसमें 35 क्वेश्चन आए भाई। ऑलराइट, अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा तो मैं इसको साइड में लिख देते हैं भाई। तो ये 35 क्वेश्चन जो रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं, इन 35 क्वेश्चन का एक बार हम देख लेंगे कि भाई किस तरीके से ये क्वेश्चंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो जो पहले 5 क्वेश्चन है 1 to 5, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस सेक्शन से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगले जो 5 और 5 10 क्वेश्चन है मतलब 6 to क्वेश्चन नंबर 15 तक जो क्वेश्चन नंबर मिलेंगे आपको वो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में एक पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन है और एक सर्कल सीरीज का क्वेश्चन है, सर्कल में फेसिंग सेंटर वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको ये 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पे आपको दिखेंगे आज। इसके बाद 5 क्वेश्चन मतलब 16 to 20 जो क्वेश्चन है वो स्लॉलिज्म से है, स्लॉलिज्म के क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सी स्लॉलिज्म यहाँ पे यूज करी गई है, आप देखेंगे कैसे उसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, कोडेड इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल सा कोडेड इनइक्वालिटी गिवन है, जो बेसिक सा जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। डायरेक्शन इसके बाद क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के हैं मतलब 26-27 क्वेश्चन ये डायरेक्शन चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है 2 मतलब 28 और 29 क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से है, तो इसको लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, रैंकिंग ऑर्डर से है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है मतलब 32, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके और 33 तक ये आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। और लास्ट के जो क्वेश्चन है 34 और 35 क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया भाई। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 35 क्वेश्चनों का, और आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा और उस क्वेश्चन को साइड बाय साइड हम 1 by 1 करके आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आपने भी अपने पास
सामग्री कुछ इकट्ठी कर ली होगी, जैसे कि पेन पेपर, ताकि साथ साथ आप भी इसको प्रैक्टिस करते रहें। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, और फिर धीरे धीरे आगे तक इस कार्यवाही को बढ़ाते रहेंगे। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर वन से फाइव जो है भाई, ये अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको भाई एक बड़ी सी सीरीज गिवन है, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है। तो एक बार उस सीरीज को फिर से नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ भाई एक्स वाई जेड 3GO 6KF 5 इक्वल्स टू ए, ये ए इक्वल टू मतलब सिंबल होगा यहां पे ए 1 एच सी 7 आई 90 एल 8 हैश ई जे 2 स्टार R4W। ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 15 टू द राइट एंड। तो यहां पर ये जो सीरीज शुरू है, बेसिकली अभी तो दो लाइनों में लिखी है हमने, ये लाइन यहां से शुरू होकर और ये कंटिन्यूशन में जाकर यहां पे एंड होता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हमेशा लेफ्ट एंड बोला जाता है भाई, लेफ्ट साइड या लेफ्ट एंड, और ये वाला पोर्शन जहां पे फिनिश होता है इसको राइट एंड के नाम से बोलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई बताइए जो राइट एंड से, मतलब यहां से जो 15th नंबर का, जो 15th नंबर पे जो है, उसके राइट में 5th नंबर पे कौन सा है। तो जब भी आपको राइट और राइट, यहां पे बोला 15th से जो राइट से है उसके 5th राइट पे कौन सा होगा, तो आपको ऐसे फिजिकली इसको गिनने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या करेंगे, जब भी दोनों राइट साइड दिए होते हैं, आप इनका हमेशा डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकाल देंगे तो 10 में से 5 गए, इसका मतलब 10th आपको डायरेक्ट वो डिजिट या वो नंबर फाइंड करना है जो राइट साइड से 10th प्लेस पर है। तो आप गिन लेंगे इजिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एल। L is the correct answer और ऑप्शन नंबर है A। आप A ऑप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए भाई इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसी न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड है। ये कहता है इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 11 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड। इसका मतलब जो ये हमने अभी देखा था, ये 10th नंबर था, ये 11th होगा। तो ये कह रहे हैं जो 11th, जो ऑलरेडी जो लास्ट 11 है, इनको अगर रिवर्स में लिख दें, रिवर्स में मतलब ये जो W है वो यहां पे आ जाएगा और इसके साथ ये 4R स्टार, और ये इस तरीके से लास्ट तक, और लास्ट में ये T पहुंच जाएगा। इन लास्ट 11 को चेंज करना है बस। अगर इनको चेंज कर दें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 17th टू द राइट ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये कह रहा है कि जो लेफ्ट एंड से 9th लेटर या 9th प्लेस पे जो है, लेफ्ट एंड से उसके राइट साइड में सेवनटींथ कौन सा होगा। ओके, 7th। ऑल राइट, तो जो राइट लेफ्ट साइड से जो 9th है, 11th है, उसके राइट में 7th, लेफ्ट साइड से जो 11th है उसके राइट में 7th बताना है। तो जब अभी यहां पे हमने देखा था, जब राइट और लेफ्ट दोनों राइट राइट होते हैं तो इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि जब आपको लेफ्ट और एक राइट, यानी कि दोनों डिफरेंट मिले, या लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट मिले, तो इनकी पोजीशन को आप हमेशा ऐड कर देंगे, ऐड। इसका मतलब आपको 18th पोजीशन फाइंड करनी है, किसकी, लेफ्ट हैंड से करनी है भाई। तो लेफ्ट से 18th क्या होगा वो हम देख लेते हैं यहां पे। तो यहां से 18 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो 18 पे तो क्लियर हमें समझ आता है, क्या है 9, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डिजिट 9, और 9 आपके ऑप्शन में नहीं है। एक सेकंड, दोबारा से फिर इसको इवेल्युएट करते हैं। ऑर्डर फॉर लास्ट 11th फ्रॉम द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट टू द 9th ऑफ द लेफ्ट हैंड। ओके, यहां पे मिस्टेक होगी, भी 9th है होगा, 9th से जो लेफ्ट से जो 9th पोजीशन पे है उसके राइट में 7th, तो इसका टोटल आएगा 16। हमने 18 फाइंड कर लिया था, 16 फाइंड करना है, तो ये आंसर आपका होगा 3, 3, 6, 12, 15, 16, 17, तो ये हो जाएगा 15, 16 नंबर पे 7 डिजिट, तो आपका आंसर बनेगा भाई 7th, तो ये 16th था इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 7, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम इसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड है। ये कहता है फोर ऑफ द सर्टेन आर सिमिलर इन सम वे, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसमें सीधा सीधा आपको ना चार पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, इन पांच में से चार ऑप्शन ये कहते हैं कि बिल्कुल सिमिलर हैं, और पांचवा ऑप्शन आपका ऑड वन होगा। वो ऑड वन ऑप्शन कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, तो ये जल्दी से इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, IT8K5A और लास्ट है 4R एंड W। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है XZG, इसकी जरा प्लेसमेंट चेक करते हैं कि इस सीरीज में कहां दिया हुआ है। तो एक्स आप देखिए फर्स्ट लेटर दिया एक्स, फिर एक स्किप करने के बाद दिया हुआ है जेड, और फिर एक स्किप करने के बाद दिया हुआ है जी, इसका मतलब सब में एक एक का डिफरेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं इक्वल्स टू 1C, तो यहां देखते हैं भाई ये रहा इक्वल टू, उसके एक के बाद गैप के बाद वन है, फिर एक के बाद ये सी भी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों तो एक जैसे हैं। फिर IT8, तो ये आई वन स्किप करके टी आता है और वन स्किप करके एट, यानी कि इसके सिमिलर है। K5A, तो यहां देखते हैं के एक स्किप करके फाइव, एक स्किप करके ए, इसका मतलब ये चार तो अपने आप सिमिलर दिख ही रहे हैं आपको, अब पांचवे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। अगर चेक भी करना चाहें तो 4RW दिया हुआ है, 4 से पहले वाला R फिर W, ये इस चारों से सिमिलर नहीं है, ये चारों से डिफरेंट है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, लास्ट ऑप्शन भाई। चलिए तो ये तीन क्वेश्चन हो गए इसके बेस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है इफ द पोजीशन ऑफ 6 और 2 आर इंटरचेंज। अच्छा ये 6 को यहां 2 बनाने के पोजीशन पे कहता है और 2 की जगह पे लिखता है 6, क्या इनमें कुछ सिमिलरिटी है, तो यहां से देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। ओके, इसके बाद ये कहता है जेड एंड आर आर इंटरचेंज, तो Z यहां से थर्ड पोजीशन और R राइट से थर्ड पोजीशन पर है, ऑल राइट। चलिए फिर ये कहता है फॉरवर्ड, देन हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर, सिंबल्स की बात कर रहा है, यानी कि सिंबल हो गया आपका इज इक्वल टू, फिर इसके बाद आपका हैश और स्टार, तीन ही सिंबल है यहां पे। How many symbols will be there which are either proceed or followed by a vowel? या तो इन symbols से पहले जितने भी symbols हैं इनसे या तो पहले कोई vowel होना चाहिए या फिर उसके just बाद vowel होना चाहिए, दोनों जगह जरूरी नहीं है, किसी एक जगह चलेगा, ऐसे pairs आपको count करने हैं। तो पहले symbol के पास जाते हैं तो ये है is equal to, तो is equal to के precede पे आप देख सकते हैं क्या है, फॉलोड पे ए आ रहा है, यानी कि एक पेयर तो ये बन गया जैसा उसने पूछा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, तो सेकंड भी यहां पर आप देख सकते हैं बन गया है, और यहां पर स्टार के आगे पीछे पीछे तो चलो ये टू के इंटरचेंज हो गए, सिक्स आ गए तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, और आर के रिप्लेसमेंट में जेड आया था और जेड भी हमारे लिए कोई वॉवल नहीं होता, इसका मतलब दो ही एक ऐसे पेयर मिलेंगे आपको, एक और दो, यानी कि इसका आंसर होगा टू सच पेयर्स। तो टू सच पेयर्स आप देख सकते हैं भाई आपके ऑप्शन नंबर बी पे गिवन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑल राइट, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जो इसी सीरीज पे बेस्ड है जो इस क्वेश्चन में गिवन है। यहां पे कहता है zgk कॉमा 5ac कॉमा it हैश, और पूछ रहे हैं कि भाई इसके बाद ये क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो इन लेटर्स को कंसीडर करेंगे भाई, ये कहता है जेड जी और के। तो यहां से देखते हैं जेड, जेड के बाद एक स्किप करने के बाद आपको जी दिख रहा है जी, और फिर दो स्किप करने के बाद आपको के नजर आ रहा है। मतलब पहले लेटर और दूसरे में एक का गैप है और के और जी में दो वेरिएबल्स का गैप दिया हुआ है। अच्छा, के बाद यहां पर ये जो सीरीज सेकंड ग्रुप है वो फाइव से शुरू हो रहा है। तो अब हम ये देखेंगे इस के बाद ये फाइव कहाँ आता है। तो हमने देखा भाई फाइव जो है वो एक स्किप करके फाइव आ रहा है। तो फाइव के बाद क्या दिया, ए और सी। तो फाइव के बाद एक स्किप करा तो ए आया, और एक और ये दो स्किप करा तो आप देख सकते हैं सी आ गया। फिर इसके बाद सी के बाद आई दिया हुआ है, सी के बाद एक का गैप है, फिर आई से शुरू होगा, फिर ये आया टी और एक दो के बाद हैश। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए हैश के बाद एक स्किप करेंगे तो आएगा जे, जे के बाद एक स्किप करेंगे स्टार, और स्टार के बाद एक दो वेरिएबल स्किप करेंगे तो डब्लू। तो ये आंसर इज जे स्टार डब्लू। तो जे स्टार डब्लू डी ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ये डी ऑप्शन पे आपको गिवन है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए, ये फर्स्ट पांच क्वेश्चन थे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते भाई। चलिए, ये प्री की बात थी, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में और फेसिंग सेंटर पे दिया हुआ है। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक फेवर चाहूंगा कि भाई आप दो तीन मिनट इस क्वेश्चन पे खुद से प्रैक्टिस करें पहले, और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ ईडी उमराल पे मिलेगा। दो मिनट आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है, और एनालाइज कीजिए कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए हमें। चलिए भाई जल्दी से, आप क्वेश्चन आपने शायद पढ़ लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चले भाई, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई आठ फ्रेंड्स हैं F1 से लेके F8 तक, और उनका फेसिंग सेंटर है, और इनको डिफरेंट फ्रूट पसंद है। चले फ्रूट्स के नाम एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पहला कहता भाई एप्पल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, वाटरमेलन, बनाना, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स, पपाया, गवावा, और लास्ट में स्ट्रॉबेरी। ये आठ फ्रूट्स हैं और आठ लोग हैं, और कहता है फेसिंग सेंटर है। तो जब आठ लोगों की कोई डाटा हम बनाते हैं सर्कल में, तो हम क्या करते हैं जनरली, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, आठ लोगों को इक्वल डिस्टेंस पे बैठा देते हैं ऐसे, और फेसिंग सेंटर होता है उनका इस तरीके से।
तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना लें तो भी इसका सेम मीनिंग है। इसको बनाने के दो बेनिफिट हैं। एक तो इसमें आपको अपोजिट पर्सन जो है वो इजीली नजर आ जाएगा, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है अगर सर्कल सर्कल गोल ना बने तो। और दूसरा ये सर्कल से पहले ड्रॉ हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप 2-3 सेकंड का समय बचा सकते हैं इसको ड्रॉ करने में। अब हमें क्वेश्चन को रीड करना है और ऐसे पॉइंट पे जाके हमें पहुंचना है उस क्वेश्चन में कि जहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकें। तो पहली लाइन इसकी पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहता है F5 इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ F7, मतलब F5 जो है वो F7 के बाएं और तीसरी पोजीशन पे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, F7 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, एक पोजीशन बनाएंगे F7 की, जहां भी आपको बनानी है पूरी 8 पोजीशंस में से कहीं भी F7 बना सकते हैं, डजेंट मैटर। तो मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए F7 को यहां बना लेता हूं। इस F7 की उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड में ये पहला पोजीशन हुआ, दूसरा पोजीशन हुआ और ये F5 की पोजीशन तीसरी बाएं ओर बन गई। F7 के बाएं ओर तीसरा स्थान बन गया F5 का। ये हमने पहली लाइन को यहां पे कंप्लीट कर लिया भाई। आई होप ये आपको क्लियर समझ आया होगा भाई। कमेंट करके आप प्लीज अपना, कविता चौधरी जी वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम। चले भाई, हिंदी में सालम जी कहते हैं हिंदी में। तो सालम जी, नेक्स्ट टाइम जब हम इस तरीके का कोई पेपर सॉल्व कराएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको बायलैंग्वल रखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। क्वेश्चन में पहली लाइन थी कि F7 के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर तीसरी पोजीशन पे F5 है। तो यहां F7 बनाया, पहला दूसरा तीसरी पोजीशन पे F5 बना दिया। फिर ये कह रहा है द पर्सन हु लाइक वॉटरमेलन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ F5। F5 का जो तुरंत बाएं वाला साइड है, यहां पे वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको वॉटरमेलन पसंद है। तो हमने इसके पसंद वाला फ्रूट बना के यहां पे और यहां से लिस्ट में से इसका नाम हटा दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। फिर ये कहता है एंड F5 डज नॉट लाइक एप्पल। ये जो F5 है ना भाई, इसको एप्पल पसंद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एप्पल के सामने लिख देंगे F5 और ऐसे क्रॉस लगा देंगे, इससे पता रहेगा कि F5 को एप्पल पसंद नहीं है भाई। ठीक है, ये डाटा हमने यहां पे पूरा किया। फिर ये कहता है F2 इज फोर्थ राइट ऑफ F8। अच्छा, कभी भी आप फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट जब भी बात कहते हैं, इस लाइन का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि 8 लोगों के डेटा में फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट रखे, तो इससे अगर हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, इसका मतलब वो दोनों आपस में अपोजिट होंगे ही होंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया F2 और F8 अपोजिट हैं, F2 और F8 ये जो है ये अपोजिट टू इच अदर हैं, ऐसे अपोजिट बनाया हमने साइन। और फिर ये कहता है कि ये दोनों ही जो है वो F5 के पड़ोसी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी F5 के बगल में नहीं बैठ सकता। तो अगर मुझे इन दोनों व्यक्तियों को अपोजिट बनाना है, यहां पे वो बैठ नहीं सकते, यहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि अपोजिट में तो F5 है, यहां तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे F8 आ या F2 में से आना चाहिए। तो ये 2 पोजीशन बचती हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि F2 कहां पर है या F8 कहां पर है, तो इन दोनों ही पोजीशन पे दोनों का नाम लिख देते हैं, F2 और ये F8। इससे क्या होगा कि ये दोनों पोजीशन इनके लिए रिजर्व हो गई है और कोई यहां पे बैठ नहीं सकता। तो ये क्लियर होगी पॉइंट यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये कहता है ठीक है, F6 लाइक पोमीग्रेनेट, F6 को पोमीग्रेनेट पसंद है, ठीक है, इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वॉटरमेलन। ये जो वॉटरमेलन है इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ये F6 बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है F6, और F6 को पॉमी पसंद है, ऐसे लिख लेते हैं पॉमी ग्रेनेड और यहां से लिस्ट में से पॉमी को हटा देते हैं। ठीक है, F6 का सीधा पोजीशन दिया है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं तो कहता है द पर्सन हु लाइक्स पपाया इज बिटवीन,
पपाया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पोमी, तो जो पोमी का जो सेकेंड लेफ्ट है, तो ये अगर फेसिंग सेंटर है तो फर्स्ट लेफ्ट होगा और ये सेकेंड लेफ्ट वाली पोजीशन होगी। इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? पपाया पसंद करने वाला, यहां लिख दिया हमने पपाया, और यहां से लिस्ट में से पपाया को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है। फिर ये कहता है नेक्स्ट में, द वन हु लाइक गवावा इज सिटिंग बिटवीन सेकेंड लेफ्ट ऑफ F5। F5 का जो सेकेंड लेफ्ट है इस पे वो व्यक्ति बैठा है जिसको गवावा पसंद है, तो गवावा हमने यहां बना दिया और यहां से गवावा भी हमने हटा दिया लिस्ट से। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन की तरफ, F1 लाइक्स बनाना और बिटवीन F6 और F8। तो ये अगर F6 है तो F8 या तो यहां होगा या तो यहां होगा, क्योंकि दो पोजीशन F8 की है। अगर मैं इस F8 की पोजीशन को कंसीडर करता हूं तो इन दोनों के बीच में तो F1 आना चाहिए, यहां तो ऑलरेडी F7 बैठा हुआ है, इसका मतलब ये F8 की पोजीशन गलत बनी है, यहां नहीं बन सकती। तो यहां अगर F8 नहीं होगा तो यहां पे होगा, और यहां पे F2 को हटा देंगे तो F2 और F8 भी क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में F1 बनेगा ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और F1 को बनाना पसंद है, यहां पे हमने लिख दिया फ्रूट का नाम बनाना, और यहां से बनाना को भी कैंसिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट लाइन पे कहता है, सॉरी, द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स सेकेंड राइट ऑफ F1, F1 का जो सेकेंड राइट वाला पोजीशन है यहां पे वो बैठता है जिसको ग्रेप्स पसंद है, तो यहां ग्रेप्स बनाए, ग्रेप्स यहां से हमने कैंसिल कर दिए। F3 इज थर्ड राइट लेफ्ट ऑफ F6, F3 जो है वो थर्ड लेफ्ट है F6 के, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये हो गया F6। ऑलराइट, अब देखते हैं कौन बच गया है। F1 बन चुका है, F2, F3 कहीं नहीं बना हुआ, आप देख लीजिए, तो ये पोजीशन जो बची हुई है ये F3 की हो जाएगी। F3 के बाद 4 भी बच गया है अभी। ओके, ये लाइन थी हमारी, F3 थर्ड लेफ्ट ऑफ F6, सॉरी, F3 जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ F6 है, ये F3 होगा, F6 के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे F3 होगा, और ये बचा हुआ F4 हो जाएगा। अब पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 7 और 8 बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है F5 को एप्पल पसंद नहीं है। फ्रूट में आप देखिए लिस्ट में दो बचे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, F5 को एप्पल पसंद नहीं है, इसका मतलब F5 को स्ट्रॉबेरी पसंद होगा, और जबकि बचा हुआ फ्रूट आपका एप्पल आ जाएगा F7 पे एप्पल। तो ये क्वेश्चन जो था, डेटा कंप्लीट हो गया भाई, और ये डेटा जो आपके सामने था, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ऊपर से अभी आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एप्पल जो है वो किसको पसंद है भाई, एप्पल किसको पसंद है, आप यहां देख के बता सकते हैं एप्पल किसको पसंद है, F7 को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज F1's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू F2, ये F1 की जो पोजीशन है ये F2 के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो या तो होगा भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट, तो ऑप्शन में देखेंगे थर्ड टू द राइट है क्या, तो थर्ड टू द राइट ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, 7th क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, थर्ड टू द राइट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी बिटवीन F3 एंड F8। देखिए ये कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि F3 और ये जो F8 है इसके बीच में कितने लोग हैं, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर बताएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि F3 और F8 के बीच में या तो दो होंगे या फिर 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन में पूरा क्लियर देना चाहिए कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट दिया एंटी क्लॉकवाइज पूछा हुआ है, अगर F3 से एंटी क्लॉक जाए तो F3 और F8 के बीच में कितने लोग हैं, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 और ये 4 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऑप्शन डी। चले भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की भी आप देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट लाइन जो है वो विजिबल नहीं है, कोई नहीं मैं रीड करता हूं। फर्स्ट लाइन में कहता है कि 5 पेयर्स हैं जिनमें से 4 जो है वो किसी तरीके से सिमिलर हैं,
तो बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो सिमिलर नहीं है। तो पहले ऑप्शन पे जाते हैं, कहता है एप्पल और बनाना। तो ये एप्पल, इसके सेकंड राइट साइड में बनाना, ठीक है। सेकंड में कहता है पोमी और गवावा, पोमी उसके फर्स्ट और सेकंड राइट में, गवावा, यानी कि ये तो सिमिलर है, सेकंड टू द राइट की बात चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर कहता है ग्रेप्स वाटरमेलन, ये ग्रेप्स और ये वाटरमेलन, ग्रेप्स के फर्स्ट और ये सेकंड राइट पे वाटरमेलन, ये भी ठीक है। स्ट्रॉबेरी और पपाया, तो ये स्ट्रॉबेरी फर्स्ट छोड़ के सेकंड राइट पे पपाया, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन ई जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। आंसर है बनाना स्ट्रॉबेरी। आप देख सकते हैं ये बनाना रहा और ये स्ट्रॉबेरी, ये फर्स्ट सेकंड ना होके थर्ड राइट पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ये अलग ग्रुप से बना हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये जो पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, मतलब गलत है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन पढूं तो कहता है F6 इमीडिएट राइट है एप्पल के। तो F6 जो है, क्या ये एप्पल के इमीडिएट राइट है? तो बिल्कुल ठीक बात है, तो बिल्कुल इमीडिएट राइट दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सी पे जाएंगे तो ये गलत साबित होगा। ये कहता है कि F6 इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन वॉटरमेलन एंड ग्रेप्स। तो वॉटरमेलन और ग्रेप्स के बीच में कह रहा है F6, तो F6 तो नहीं है, कौन है? F5। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर सही बनेगा भाई। तो ये भाई सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आठ लोग दिए हुए हैं, आठ लोग दिए हुए हैं, हर चार रो, दो रो में बैठे हुए हैं आठ लोग, चार चार करके, और चारों का जो फेसिंग है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। तो ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप 2 मिनट का समय लेकर इसको ट्राई कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे भाई। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम चार पर्सन ईच रो में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि एक रो में चार और उनके जस्ट सामने चार लोग, ऐसे, ठीक है, फेसिंग ईच अदर है। आई इज बिटवीन एन एंड ओ फेसिंग नॉर्थ। तो ये जो एन और ओ दो व्यक्ति दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनके बीच में आई बैठा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है भाई। लेकिन ये एन और ओ तो कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों का नाम लिख देते हैं एन ओ, लेकिन सेंटर में इनके आई आएगा, ये कंफर्म बात है। तो ये हो गया कंप्लीट। इसका मतलब ये जो तीन लोग हैं इनके सामने भी तीन लोग होंगे। इन एन और आई और ओ को नीचे इसलिए बनाया क्योंकि इनका जो फेसिंग है वो ऊपर की साइड होगा, ऊपर वाले लोगों की तरफ, और ऊपर हमारा साइड जो होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे देखने वालों का फेसिंग जो साउथ साइड होता है हमेशा। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अच्छा, अभी 6 लोग बन पाए हैं, 2 मिसिंग है अभी, तो उन 2 की भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा जरूर दिया होगा। चले भी नेक्स्ट इस लाइन इसमें देखते हैं। P इज अपोजिट टू M। अब M तो कहीं बना नहीं है, तो यहां लिखते हैं हम P जो है वो M के अपोजिट है, ठीक है। M इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ J। अब अगर इस M को नीचे लिखूंगा तो इस लाइन में फिर J भी बनाना पड़ेगा, तो जो कि बन नहीं सकता। इसका मतलब P इस रो में होगा और इसके सामने M होगा, और M जो है वो इमीडिएट लेफ्ट किसके है भाई? J के। तो अगर M जो है वो J के इमीडिएट लेफ्ट है, इसका मतलब J को इस साइड पे बनाना होगा, क्योंकि J का फेस नीचे है इसलिए लेफ्ट साइड इधर होगा, M साइड, M उसके लेफ्ट में पहुंच जाएगा। ये बन गया। फिर ये कहता है K इज बिटवीन L एंड J।
अब के जो है वो बिटवीन एल और जे है, एल और जे के बीच में एक व्यक्ति दिया है के, तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा भाई। इसका मतलब हुआ ये एन आई ओ जो बने हुए हैं इसके राइट साइड में यहां पर ये एम होना चाहिए, एम के जस्ट अपोजिट पी होना चाहिए और एम के लेफ्ट में बनना चाहिए जे के एल। इसको यहां से इरेज करके यहां लिख देते हैं जे के और ये एल, ठीक है। अभी एन और ओ की पोजीशन में प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन में पी इज इमीडिएट राइट ऑफ ओ, तो ओ के इमीडिएट राइट में पी है, इसका मतलब यहां एन नहीं आ सकता और ये ओ नहीं आ सकता, ये पोजीशन कंफर्म हो गई भाई। अब क्वेश्चंस की चर्चा है तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इमीडिएट राइट ऑफ के, तो के के इमीडिएट राइट में क्या है, कौन है, क्योंकि के नीचे फेसिंग है इसलिए इसका राइट ये हो जाएगा, आंसर होगा एल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट कौन से पेयर है, तो के एन क्या अपोजिट है, नहीं है भाई, आप देख सकते हैं। इसके बाद एल पी अपोजिट है, नहीं है, एल पी भी अपोजिट, एम आई अपोजिट है, नो, जे ओ अपोजिट है, बिल्कुल, तो आंसर होगा जे ओ, ये अपोजिट टू ईच अदर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है डायगनली अपोजिट एल एन, एल एन अगर हम देखें तो अपोजिट में है, के आई अपोजिट है, जे ओ अपोजिट है, एम पी अपोजिट है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा एम ओ। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका एम ओ, ऑप्शन नंबर ई। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आई के इमीडिएट लेफ्ट में आप बता सकते हैं कौन है, एन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। चले क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है पांच में से चार एक दूसरे से सिमिलर है, कौन सा ग्रुप है जो सिमिलर नहीं है, आपको बस सिर्फ इतना सा आंसर बताना है, और ये आपके रहे ऑप्शंस ए बी सी डी ई, ये पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं। एन एल आप देखिए, एन एल तो अपोजिट है, आई जे, आई और जे, ये आई के जस्ट राइट में जे है, आई के तो अपोजिट है, ओ जे अपोजिट है, पीएम अपोजिट है, इसका मतलब चार ऑप्शन अपोजिट है जबकि आई जे अपोजिट नहीं है, वो आपको डायगनली मिलेगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का पजल था, ये सिटिंग अरेंजमेंट था पैरेलल रोज से रिलेटेड। इसके बाद जो पांच क्वेश्चंस है वो है आपका, आप देख सकते हैं ये है कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। कोडेड इनइक्वालिटी बहुत ही साधारण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये चैप्टर होता भी बहुत साधारण ही है और फ्री के मार्क्स होते हैं, पांच क्वेश्चन ये फ्री वाले क्वेश्चंस हैं, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में फ्री क्वेश्चंस बोलता हूँ, फ्री के नंबर। तो ये पांच आपके सामने डेटा है, आप इस डेटा को एक बार थोड़ा सा पढ़िए, दो तीन मिनट का इस पे समय लगाइए और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो आप दो मिनट का समय लीजिए भाई, इसको ट्राई करिए।
ओके अब वॉइस आ रही होगी शायद, अब वॉइस क्लियर होगी। वो थोड़ा सा बैटरी का इशू था। चले देखेगा जरा, अभी यहाँ पे टी से एस का हमें अप्रोच ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं टी से एस जाने के लिए पहले टी से पी जाएंगे। तो टी से पी जाने के लिए हम लिखेंगे टी कॉपीराइट पी, फिर हम जाएंगे पी से क्यू, तो पी से क्यू तो सीधा सीधा दिया हुआ है, यानी कि पी डॉलर क्यू लिखा जा सकता है, क्यू से आर, क्यू परसेंटेज आर लिखा जा सकता है, फिर हमें आर से एस जाना है, लेकिन यहाँ एस से आर लिखा हुआ है, इसका मतलब एट द रेट जो साइन है उसके सामने वाला जो सिंबल होगा उसको यूज करके और फिर एस लिखा जाएगा, क्योंकि ये एस आर था एट द रेट, लेकिन जब आर एस बनाएंगे तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। अब ये टी से एस का रिजल्ट अगर हम एक बार यहां से निकाल लें तो बात बन जाएगी। टी और पहले देखेंगे कॉपीराइट और डॉलर, तो कॉपीराइट डॉलर अपोजिट साइन हो गए हैं, जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो कंक्लूजन गलत होते हैं, हमेशा गलत होगा, पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा। अब हमें इसमें एक और इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है जिसको हम बोलते हैं इधर और की, इधर वन और टू। तो इधर वन और टू के लिए इन दोनों के बीच ये तीनों सिंबल फॉलो होने जरूरी है, ग्रेटर देन भी, लेस देन भी और इक्वल टू भी। अगर ये तीनों सिंबल यहाँ दोनों साइन जस्टिफाई करेंगे तो हमारा आंसर इधर में आएगा। तो यहां देखेंगे आप, कॉपीराइट का मतलब मैंने यहाँ पे दिया हुआ था लेस देन, लेस देन वाला सिंबल कॉपीराइट के लिए है, जबकि डॉलर, डॉलर का मतलब सॉरी यहाँ पे स्टार का मतलब है इक्वल टू। तो आप देखिए इन तीन में से दो सिंबल तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं इन दोनों ऑप्शन में से, लेकिन ग्रेटर देन की कोई बात नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन गलत ही माने जाएंगे। गलत दोनों जब कंक्लूजन होते हैं तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू फॉलोज, ये आपका आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये पूरा एक पैटर्न है जिसके बेस पे हम ये कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन करने में हालांकि 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, बस एक बार हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये बात रही आपकी भाई कोडेड इनइक्वालिटी के जो 5 क्वेश्चन थे, हमने 2 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये 2 डायरेक्शंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। चलिए भाई डायरेक्शन के पार्ट पे अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, समझेंगे क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन ये कहता है, 26 क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। एक लाइन, हाँ एक लाइन जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है। चलेगा भाई डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है टाउन ए जो है वो टाउन सी के ईस्ट में है, तो अगर मैं ये टाउन सी कंसीडर कर लूं तो इसके ईस्ट साइड में ये टाउन ए गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है बी टाउन जो है वो ए के नॉर्थ में है, तो ए का जो नॉर्थ साइड है मतलब नॉर्थ ऊपर होता है हमें पता है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब इस चैप्टर की बारी आएगी। तो ये ए के नॉर्थ में बी बना दिया ऊपर की तरफ। फिर ये कह रहा है टाउन पी इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ ए, तो ए का जो साउथ साइड है यहां पे टाउन आपको पी गिवन है, पूछा हुआ है टाउन पी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में हम इजीली बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर होगा 26 क्वेश्चन का साउथ ईस्ट, और ये ऑप्शन नंबर पे दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन साउथ ईस्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन पढ़िए आप तब तक, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 27वें क्वेश्चन में कहता है कि आलिया वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ पिज़्ज़ा हट, तो ये आलिया यहां से वॉक करना शुरू करती है,
और ये नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक करती है, कहाँ पे, जहां पे पिज्जा हट है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे पिज्जा हट है। व्हेन पिज्जा हट वॉज 100 मीटर्स अवे फॉर हर, जब पिज्जा जो है हट है जो जब 100 मीटर रह गए यहां से, ये 100 मीटर, ये पिज्जा हट है, ये जब 100 मीटर रह जाता है दूर, तो वो क्या करती है यहां से, सी टर्न लेफ्ट, यहां से वो लेफ्ट में टर्न लेती है टू पिक आयशा, टू पिक आयशा, आयशा को पिक करने के लिए, और वो लेफ्ट में 40 मीटर चलती है, 40 मीटर चलती है वो, और यहां पे आयशा को मिलती है वो। ऑल राइट, ऐसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोथ ऑफ देम देन वॉक टुवर्ड्स वेस्ट, फिर इसके बाद ये दोनों वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, ये वेस्ट तो इधर ही होगा, ये दोनों वेस्ट में कितना चलते हैं, 100 मीटर चलते हैं, 100 मीटर और चलते हैं, और उसके बाद राइट मुड़कर 100 मीटर चलते हैं, राइट मुड़कर 100 मीटर, तो इसका मतलब ये 100 है, तो इसके सिमिलर 100 यहाँ पे होगा। अब पूछा हुआ है क्या, हाउ मेनी मीटर्स अवे पिज्जा हट नाउ, तो ये पिज्जा हट इस इनसे कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये वाला डिस्टेंस की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पे ये है और यहाँ पे पिज्जा हट है, तो ये डिस्टेंस कितना है, इसके बिल्कुल पैरेलल जो डिस्टेंस दिया है उसके बराबर होगा, 100 + 40 आंसर होगा 140 मीटर्स, 140 मीटर इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी पे आपको गिवन है भाई। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 6 सिस्टर हैं, पी क्यू आर एस टी यू, और सबकी डिफरेंट एज ग्रुप है, सबकी एजेस यहाँ पे आपको मेंशन होंगी, और कौन किससे बड़ा है एज में ये भी दिया होगा, तो ये छोटा सा डेटा है, आप इसको एक बार जरा रीड आउट करिए, समझिए क्या दिया हुआ है, फिर इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि नो टू सिस्टर्स आर सेम एज, दो सिस्टर जो हैं, कोई भी दो हो सकती हैं वो, उनकी एज जो है वो अलग अलग ही होनी चाहिए, सेम एज नहीं हो सकती दो सिस्टर्स की, लेकिन उनका बर्थडे जो है वो सेम हो सकता है, सेम मंथ का डे हो सकता है, लेकिन ईयर सेम नहीं हो सकता बर्थ। अच्छा ये कह रहा है जो 6 सिस्टर हैं, तो यहां बनाते हैं 6 सिस्टर, 1 2 3 4 5, और ये 6 सिस्टर बनाए हमने, जो सबसे छोटी है, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लिया कि सबसे बड़ा इधर आ जाए, सिस्टर आ जाए, सबसे छोटी सिस्टर लास्ट में, तो सबसे छोटी जो सिस्टर है वो 17 साल की है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो सबसे बड़ी है, एल्डेस्ट सिस्टर है, उसका नाम भी दिया है टी, इसकी एज दी है 22 साल, ये डेटा आपको दिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं कि जो यू है, यू की जो पोजीशन है वो क्यू और एस के समवेयर बिटवीन है, बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली बिटवीन नहीं होता, बिटवीन का मतलब होता है बीच में कहीं हो सकते हैं, तो हमने क्यू और एस को दोनों साइड बनाकर बीच में यू बना दिया, बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाया क्योंकि पोजीशन सेंटर की नहीं दी हुई है। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, पी इज ओल्डर देन क्यू, अच्छा यहां पे कहता है भाई जो पी है वो ओल्डर है क्यू से, ठीक है बना दिया। R इज ओल्डर देन S, R जो है वो S से ओल्डर है, ये भी बना दिया। P इज 1 ईयर ओल्डर देन R, P जो है वो R से भी ओल्डर है, P इज ग्रेटर देन R है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब हमारे पास एक व्यक्ति तो कंफर्म है, बाकी के पांच को अरेंज करना है, तो बाकी के पांच को कैसे अरेंज करना होगा भाई, पहले तो बनाना पड़ेगा हमें P, P के P ग्रेटर है R के, ये तो कंफर्म बात है, और यहाँ R जो है वो S से भी ग्रेटर है, ये भी कंफर्म बात है, S से ग्रेटर है, ओके। अब यहाँ पे जो है वो P जो है वो Q से भी ग्रेटर है, इसका मतलब जो P होगा उसके बाद ही कहीं पे Q आना चाहिए, तो ये R जो है वो S से ग्रेटर भी है, इसका मतलब हुआ, और Q और S के बीच में कौन है भाई, U है, इसके बीच में तो U ही आएगा, ये भी कंफर्म बात हो गई है, लेकिन ये R जो है वो S से ग्रेटर है, अगर इस S को मैं Q की जगह पे लिखूं और Q को S की जगह पे लिख दूं तो भी तो R Q से ग्रेटर होगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर Q और S की पोजीशंस कंफर्म नहीं हो पा रही हैं,
तो हम कोई बात नहीं इनको अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्डर यही रहेगा क्योंकि ऑर्डर हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो एक व्यक्ति के बाद पांच बचे हुए व्यक्तियों की पोजीशन होगी पी आर, यहां कंफर्म नहीं है, क्यू एस दोनों का नाम लिख देते हैं और ये यू हो गया और ये भी क्यू एस दोनों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर 22 है तो इसकी एज एक कम होनी ही चाहिए क्योंकि सेम एज ग्रुप नहीं हो सकती, ये 20 होना चाहिए, इसकी एज 19 और ये 18 और सबसे छोटी वाली सिस्टर 17 साल की इनकी होगी। ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट बन गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इसमें से क्या पॉसिबल है। यू की एज के लिए कह रहा है कि भी 18 साल बिल्कुल पॉसिबल है, यू 19 साल का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, एस 20 का हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता एस 20, और यू नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया, इसका मतलब ऑप्शन आंसर आपका होगा यू 18 इयर्स का, यू इज 18 इयर्स, ऐसा क्वेश्चन वाला ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है एज पर द पेपर। फिर कहता हु इज सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर, सेकंड एल्डेस्ट कौन होगा भाई, पी, क्लियर पता चल रहा है पी इज द सेकंड एल्डेस्ट, तो आंसर इसका पी पे ऑप्शन सी पे गिवन है भाई, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो गया। चले इसको इरेज करते हैं, आपने अभी तक क्वेश्चन 29 आप कर चुके हो। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ये मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है, बहुत बेसिक वाला, जिसमें आपको सारे कोड्स दिए होते हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया है ऐसे, बिग द बिग लायन स्केर्ड द रेट, ऐसा आपको एक सेंटेंस दिया है और इसके आगे कोड गिवन है 816321। इसके बाद कहता है द स्केर्ड रेट रन अवे, और इसके लिए कोड आपको गिवन है भाई 64855 और ये नीचे 1, लास्ट में 1 दिया हुआ है। फिर कहता है द रेट वॉज बिग, द रेट वॉज बिग, और इसके लिए कोड गिवन है आपको 7621 और लास्ट सेंटेंस गिवन है द लायन रन, द लायन रेन और 341। तो हम क्या करते हैं जल्दी से इनके लिए जो पॉसिबल कोड्स बन रहे हैं उनको हम अब यहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 111 हर जगह का कॉमन है और यहाँ पे 1 किसके लिए यूज करा गया, द, क्योंकि दो बार 1 है और दो बार द यूज करा हुआ है, तो ये इसका मतलब होगा 1 यहाँ से भी द होगा और यहाँ से भी 1 का कोड द होगा। यहाँ इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि भी 1 मतलब हो गया हमारे लिए द, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 4 यहाँ पे नहीं दिया, 3 कॉमन दोनों में दिया हुआ है और एक वर्ड कॉमन दिया है लायन, इसका मतलब 3 का कोड हो गया लायन, 3 का कोड बनेगा आपके लिए लायन, और यहां से 4 इजीली पता चल गया रन, 4 मतलब रन, रन या रेन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कुछ यूज नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल का मतलब सेम होता है, रेन और रन एक ही चीज होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी 4 कॉमन आपको गिवन है और रन के लिए कॉमन है तो 4 का कोड वो हो जाएगा रन। ऑलराइट, अब आगे लेटर पे पढ़ते हैं 6। देखिए यहाँ दोनों तीनों जगह पे कॉमन है और एक वर्ड भी आपको कॉमन मिलेगा वो है रेट, इसका मतलब 6 का कोड आप दोनों में से चेक कर सकते हैं, रेट कोड हो जाएगा, सबसे हमने 6 को काट कर रेट यहाँ पे अपने लिए लिख लिया। ऑलराइट, यहाँ पे बच गया भाई 2 और 7, तो 2 देखिए दोनों ग्रुप में कॉमन है और दोनों में एक वर्ड कॉमन है बिग, इसका मतलब 2 का कोड यहाँ से आपको पता चल गया बिग, तो 2 कोडेड एज बिग। यहां से एक बच गया 7 और बच गया वॉज, इसका मतलब 7 का कोड हो गया वॉज, और यहां आप देख सकते हैं 8 और स्कैड बच गया, तो यहां से भी स्कैड और 8 को काट देते हैं, 8 मींस स्कैड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5, तो 5 अवे हो जाएगा, ये क्लियर हो गया हमें अवे। अब देखिए इसके आंसर्स बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है
द लायन वॉज स्केर्ड, इसका कोड क्या होगा? तो दाल का होगा 1, लायन हो गया 3, वॉज 7 और स्केर्ड का हो गया 8. ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 1, 3, 7, 8 एक साथ दिए हो. तो आप 1, 3, 7, 8 के लिए, 1, 3, 7, 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बी ऑप्शन दिया हुआ है 8, 7, 3, 1. तो 8, 7, 3, 1 सारे अल्फा डिजिट यहाँ पे मौजूद है. तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी. ऑल राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी क्वेश्चन है. पूछ रहा है बिग का कोड क्या होगा, तो बिग का कोड होगा डिजिट 2. अवे थर्ड क्वेश्चन है, अवे का कोड, तो अवे का कोड पता चल गया 5. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्स का कोड क्या है, तो 7. और यही चार क्वेश्चन दिए हुए थे कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत सिंपल सा. ऑल राइट भाई, ये क्वेश्चन हो गया. अब हमारे सामने जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका ब्लड रिलेशन से. और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है, फैमिली का डाटा दिया हुआ है, उसके बेस पे दो क्वेश्चंस को पूछा गया है. तो वो दो क्वेश्चंस क्या है उनको बाद में समझेंगे, पहले इसके डाटा वाले पार्ट की बात करते हैं. आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है. क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 5 फैमिली मेंबर हैं, और इन 5 फैमिली मेंबर में 3 तो मेल मेंबर है और 2 फीमेल है. लिख लेते हैं, 3 तो मेल मेंबर है और 2 फीमेल है. 3 male 2 female. देर आर 2 father 2 son 2 wives. ऑलराइट. अब आप कहेंगे 2 father 2 son 2 wives, ये तो 6 हो गए. ऐसा नहीं होता, 6 नहीं है, 5 में भी बनता है. अभी देखेंगे कैसे. द प्रोफेसर, अब देखिए यहां पे प्रोफेशन भी दिया है. ये कह रहा प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ इंजीनियर. ये जो प्रोफेसर है कोई, इस ये वाइफ है किसकी भाई, इंजीनियर की वाइफ है. तो हमने यहाँ पे इंजीनियर को मेल मेंबर बना दिया, और हस्बैंड वाइफ है, इसलिए ये डबल साइड एरो से इसको कनेक्ट कर दिया. और फिर कहता है इंजीनियर हु इज सन ऑफ जज. ये जो इंजीनियर है ये भी सन दिया हुआ है किसका, जज का. तो जज का जेंडर नहीं दिया, मेल है कि फीमेल है. अभी इसको यहां पे हम होल्ड पे रखेंगे. अच्छा, ये हो गया. वैसे जज यहां पे मेल मेंबर होना चाहिए, पर चलिए आगे इसको क्लियर कर लेते हैं. टी इज नॉट मेल, टी मेल मेंबर नहीं है भाई, टी फीमेल है. हमने टी फीमेल साइड में इसको ऐसे लिख कर छोड़ दिया. अभी नीदर ऑल्सो वाइफ ऑफ प्रोफेशनल. अब देखिए ये टी है, ये प्रोफेशनल की वाइफ भी नहीं है. इसका मतलब इंजीनियर की वाइफ भी नहीं होगी टी, क्योंकि इंजीनियर जो है वो तो प्रोफेशनल प्रोफेशन है, एक किसी एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है. और जज भी क्या है, एक बेसिकली प्रोफेशन ही है. इसका मतलब ये जज की वाइफ भी नहीं होगी. तो अभी इस टी को होल्ड कर लेते हैं और ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि भाई दोनों प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है. फिर कहता आर इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड एस इज द एल्डेस्ट. तो इस अभी क्वेश्चन में कहा था कि 2 बेटे हैं और 2 पिता हैं. तो अगर ये इसका बेटा है इंजीनियर, तो इसका बेटा अगर मैं एक मान लूं आर, क्योंकि ये यंगेस्ट पर्सन है फैमिली का, तो आर को हम पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 2 बेटे हैं, ठीक है. और एस इज द एल्डेस्ट, तो इस हिसाब से एस जो है वो एल्डेस्ट होगा. ये पॉजिटिव जज को, क्योंकि 2 फादर्स हैं, तो एक फादर तो हो गया जज और एक फादर हो गया इंजीनियर. अब क्वेश्चन में कहा टी फीमेल है, लेकिन टी तो एस की वाइफ नहीं हो सकती, टी इंजीनियर भी नहीं हो सकता, क्योंकि टी तो जो है फीमेल है जबकि इंजीनियर पॉजिटिव है. और ये टी जो है प्रोफेसर भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये टी को प्रोफेसर बनाएंगे तो वो इंजीनियर की वाइफ हो जाएगी, मतलब एक प्रोफेशनल की वाइफ हो जाएगी. तो यहां पर टी को नहीं बना सकते, इसका मतलब टी को यहीं नीचे बनाना होगा. और क्वेश्चन में कहा था इस परिवार में 2 बेटे हैं, 2 पिता है और 2 पत्नियां भी हैं. तो अगर ये दोनों पति पत्नी है, इसका मतलब टी जो है वो आर की पत्नी होगी. ये भी क्लियर हो गया. और इसकी नेक्स्ट लाइन में कहता है क्यू मेल मेंबर है, तो इन दोनों की पोजीशन बची हुई है, क्यू मेल मेंबर है, इसलिए क्यू हो जाएगा आपका इंजीनियर. और पी क्यू आर एस टी, पी बच गया तो ये पी हो जाएगी प्रोफेसर. तो ये इस क्वेश्चन का जो डेटा था वो हमने कन्वर्ट कर लिया भाई. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ग्रुप ऑफ फीमेल. फीमेल मेंबर कौन से हैं भाई, पी एंड टी. पहले क्वेश्चन आंसर बनेगा पी एंड टी.
तो ये आपका दिया हुआ है पी एन टी, ऑप्शन डी में दिया है, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वाइफ ऑफ प्रोफेसर, सॉरी हुज वाइफ इज अ प्रोफेसर, ये जो प्रोफेसर है ये किसकी वाइफ है, तो ये इंजीनियर की तो वाइफ है, पर नाम क्या है, क्यू, ये क्यू की वाइफ है और ऑप्शन सी पे दिया है क्यू। तो भाई ये आपकी आज की जो थी चर्चा थी, इसमें हमने रीजनिंग से रिलेटेड जो एसबीआई पीओ 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा की, और उम्मीद करता हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, आप कुछ ना कुछ आज जरूर ऐसा सीखे होंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि भी अगले महीने मिड ऑफ मार्च तक, 15 मार्च से पहले पहले आपको ईडी एमराल्ड पे बैंकिंग का एक बैच आपके सामने नजर आएगा, आप अपने जितने भी यार मित्र दोस्त हैं उन सब तक इस खबर को पहुंचाइएगा, जल्दी आपको ये न्यूज मिलने वाली है। और ऑल द बेस्ट, अपने पेपर्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।